हे गाइस, तो आप देख सकते हो कि सुपर संडे में आज का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। उसमें मेगा कॉन्टेस्ट 10 करोड़ का है, और 10 करोड़ में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस आपको 1 करोड़ रुपए का मिलने वाला है। तो यह अपना लक ज़रूर ट्राई कीजिए, और उसमें विनिंग परसेंटेज भी 57% है, तो यहाँ हारने का चांसेस कम है, इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए यह कॉन्टेस्ट। और बाकी भी बहुत कॉन्टेस्ट है, 1 करोड़ रुपए का कॉन्टेस्ट है, उसमें भी फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीज़ का है, उसमें विनिंग परसेंटेज 61% है, इसलिए वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा भी 30 लाख का कॉन्टेस्ट है, उसमें 2 लाख फर्स्ट प्राइज है, 63% विनिंग परसेंटेज है। ऐसे बहुत कॉन्टेस्ट है, तो आज अपना लक ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, और ये स्मॉल लीग भी है जहाँ आप, और उसमें छूट भी मिल रही है, तो आप यह ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस हिसाब से, पिच रिपोर्ट के हिसाब से अपनी टीम क्या होनी चाहिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यह देख सकते हैं आप, बहुत बड़े बड़े नाम टीम में शामिल है, और नए प्लेयर भी शामिल है। तो आप विकेट कीपर किसे चुनना है, ये भी ज़रूरी बात होती है। अभी इंडिया का होम ग्राउंड है, तो इंडिया के स्टार्टिंग 2-3 प्लेयर अच्छा करेंगे, इसके हिसाब से मैंने टीम सेट की है। तो कैप्टन भी अपना इंडिया का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने इस हिसाब से कैलकुलेशन किया है कि विंडीज़ के स्टार्टिंग के 1-2 विकेट जल्दी गिरे, तो बाद में जो प्लेयर आते हैं उनको बैटिंग का चांस मिलेगा, और पिच जब धीमा हो जाएगा तो उनकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैंने वेस्ट इंडीज़ के 3-4 नंबर के, 4-5 नंबर के प्लेयर को ज़्यादा टीम में रखा है। तो अभी मैंने, मेरे को नहीं लगता कि ऋषभ पंत को बैटिंग आ जाएगी आज, इसलिए मैंने शाय होप को टीम में रखा है। अगर शाय होप नहीं रहते तो मैं ऋषभ पंत को अपने टीम में रखूँगा, और उसके साथ ही मैंने सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा मेरे टीम में रखा है, उसके बाद विराट कोहली रखा है। विराट कोहली की आज सेंचुरी होगी ऐसा सबको लगता है, इसलिए उनको आप वाइस कैप्टन या कैप्टन कर सकते हैं। शिखर धवन, वो तो अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, इसलिए उनको भी टीम में रखना ज़रूरी है। राहुल भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अभी इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो राहुल का फॉर्म अच्छा रहता है, लेकिन सेकंड इनिंग में नहीं रहता। तो ये लाइनअप के हिसाब से, टॉस के हिसाब से धवन या राहुल में एक्सचेंज कर सकते हो आप। डेरेन ब्रावो को भी आप ले सकते हो, लेकिन इंडिया का होम ग्राउंड है तो मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा ब्रावो यहाँ टिक पाएंगे। ब्रेंडन किंग, ये बहुत ट्रस्टेड खिलाड़ी है, उनको आप ज़रूर टीम में रखिए। और उसके साथ जेसन होल्डर, परफेक्ट ऑलराउंडर है, उनका बल्ला नहीं चला तो गेंदबाजी ज़रूर चलती है, इसलिए उनको भी टीम में मैंने रखा है। कारेन पोलार्ड है, जो मैच लास्ट में मैच का रुख बदल सकते हैं, और बॉलिंग भी कर सकते हैं, 1-2 विकेट वो जरूर चटकाते हैं, इसलिए उनको भी आप टीम में रखिए। आर सेफर्ड, ये भी अच्छी बैटिंग कर लेते, 3-4 नंबर पे आते हैं, और वो अच्छी ही बैटिंग करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसलिए मैंने उनको टीम में रखा है। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये स्पिनर के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है, इसलिए मैंने इंडिया के युजवेंद्र चहल को टीम में रखा है। दीपक चहर, ये जाना माना नाम है, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, इसलिए उनको भी मैं, आप कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनको आज बैटिंग मिलेगी या नहीं, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी करते हैं। और बाकी सब नए नाम हैं, तो आप कुलदीप यादव को भी ले सकते हैं टीम में एज एक्सपीरियंस, शार्दुल ठाकुर को भी ले सकते हैं, अकेल हुसैन, ये विंडीज के अच्छे स्पिनर है, मैं भी चाहता हूँ कि इनको भी टीम में रखूँ। अभी जैसे ही लाइनअप आउट होते तो मैं किसी ना किसी को कट करके अकेल हुसैन को अपने टीम में कर दूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी पिछली बार न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे किए थे, तो उनको भी आप टीम में रख सकते हैं। अगर आवेश खान, सिराज को मौका मिलता है तो उनको भी टीम में ले सकते हैं आप। लेकिन ओर्डन स्मिथ, ये जो बॉलर और बैट्समैन है, ऑलराउंडर बोल सकते हैं लोग, लेकिन उनको बॉलिंग में डाला है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, इसलिए उनको 100% टीम में रखना चाहिए। तो ओवरऑल मेरी टीम ये हो गई है।
जब टॉस होता है और लाइन अप आउट होते हैं, तो इनमें से कोई छोटा बड़ा चेंजेस हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।